हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चुग और आज हम स्टडी कर रहे हैं 10th क्लास के रियल नंबर्स के थ्योरम्स का इम्प्लीमेंटेशन। पिछले वीडियो में हमने उन थ्योरम्स को स्टडी किया था, आज हम उन थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। हमें HCF LCM तो निकालना ही है, साथ के साथ वो पूछ रहे हैं वेरीफाई दैट LCM इनटू HCF शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और वो टू नंबर्स क्या है, 26 एंड 91। दोनों नंबर का HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है और ये रिलेशन वेरीफाई करना है। ये रिलेशन आपको लर्न भी होना चाहिए। लर्न क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इस रिलेशन में LCM दे दिया जाए और टू नंबर्स दे दिया जाए तो HCF निकाला जा सकता है, या HCF दे दिए जाएं, दो नंबर दे दिए जाएं तो LCM निकाला जा सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों नंबर है, वहां पे हम LCM और HCF निकालेंगे और इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो करते हैं हम स्टार्ट यहां पर। सबसे पहले अगर हमने 26 एंड 91 का HCF LCM निकालना है तो सबसे पहले हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, ये जाएगा 2 के टेबल पे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 यहाँ पे हमें प्राइम नंबर मिल चुका है तो 13 वन जा 13। तो 26 के प्राइम नंबर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 13। सेम वे हम निकालेंगे 91 के लिए, 91 को अगर हम देखें तो ये जाएगा सीधा टेबल 13 पे, 13 7 जा, तो यहाँ पे हमें 7 प्राइम फैक्टर मिल चुका है। तो 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 91 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 13 इंटू 7। प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं, अगर आपको याद हो हमें क्या करना है, HCF निकालने के लिए उन प्राइम फैक्टर्स के कॉमन नंबर निकालने हैं और LCM के लिए सारे नंबर्स लिखने हैं लेकिन रिपीट नहीं करना। तो कैसे, HCF की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे फैक्टर्स हैं 2 इंटू 13, यहाँ फैक्टर्स हैं 13 इंटू 7, दोनों के पास क्या कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, वो क्या है, 13। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है HCF 13। LCM की बात करें तो हम यहाँ सारे फैक्टर्स लिखेंगे, मैं यहाँ पे 2 भी लिखूँगी, 13 भी लिखूँगी, और अगर दूसरे फैक्टर्स की बात करें तो 13 एक बार आ चुका है, रिपीट नहीं करेंगे, बचा क्या, 7। यहाँ पे ओनली नंबर 13 आया था HCF, यहाँ ज़्यादा नंबर है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 13 26 एंड 26 इंटू 7, मल्टीप्लाई करें 26 इंटू 7 तो ये क्या होगा, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 एंड 4 18, 182। तो यहाँ पे 182 क्या आ चुका है, ये इसका LCM आ चुका है। लेकिन सिर्फ हमें LCM एंड HCF नहीं निकालना, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। रिलेशन क्या होना चाहिए, LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल आनी चाहिए। तो वो कैसे होगी, यहाँ हम देख लेते हैं, HCF है हमारा 13 और LCM है 182। LCM था हमारा 182 और HCF था 13, तो रिलेशन क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, वो जो दो नंबर्स हमें गिवन थे उनके प्रोडक्ट, और वो नंबर्स क्या है, 26 इंटू 91। तो अगर इसे हम अलग अलग सॉल्व करें, मैं पहले ले लेती हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड LHS, तो वो क्या होगा, 182 इंटू 13, और RHS क्या है हमारा, RHS है यहाँ पे 26 इंटू 91। तो अगर मैं अलग अलग इन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 8 24, 3 1 जा 3 एंड 2 5 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करें तो 182 ये बनेगा, 6 4 2 6, 5 एंड 8 13, 3 यहाँ 1 कैरी 2, तो ये बना 2366। सेम हमें मल्टीप्लाई करना है 26 को 91 से, सो 26 को 1 से किया 26, फिर 9 से किया, 9 6 जा 54, 2 9 जा 18, 18 एंड 5 23, ऐड करेंगे 6 6 3 2, तो क्या मिला हमें, 2366। तो क्या ये दोनों प्रोडक्ट हमारे इक्वल है, हाँ ये दोनों प्रोडक्ट हमारे इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, उन दोनों नंबर का LCM निकाला, HCF निकाला, फिर उनके रिलेशन को वेरीफाई किया। रिलेशन क्या है, LCM इंटू HCF, दोनों का प्रोडक्ट किसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, उन दोनों नंबर्स मीन्स 26 एंड 91। तो ये क्वेश्चन था LCM एंड HCF के सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन। आगे हम डिस्कस करेंगे अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है, कोई सिचुएशन आ जाती है तो हम कैसे निकालेंगे LCM, कैसे निकालेंगे HCF, और हमें कैसे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में LCM निकाला जाए
जाएगा या HCF निकाला जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, एक और पर्सन है रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। मतलब दो पर्सन है जो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर पूरे फील्ड के चारों तरफ दे आर मूविंग, तो उन केस में हमें क्या करना है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं, आगे पूछ रहे हैं एंड गो इन अ सेम डायरेक्शन ऑल्सो, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि दोनों का टाइम अलग अलग है। जो सोनिया है वो 18 मिनट में एक राउंड को कंप्लीट कर देती है और जो यहाँ पे रवि वो 12 मिनट में पूरे राउंड को कंप्लीट कर देता है। तो दोनों अगर साथ में स्टार्ट हो रहे हैं तो वो राउंड लेना स्टार्ट करेंगे तो कितनी देर में वो दोनों मिलेंगे, ऐसे केस में क्या होगा, हमें कंसिडर करना है कितनी देर में मिलेंगे। वो जो टाइम है वो ज़्यादा देर में भी मिल सकते हैं और कम देर में भी मिल सकते हैं, लेकिन हमें कंसिडर करना है मिनिमम वाला। मिनिमम का केस क्या हुआ, अगर मैं HCF की बात करूँ तो वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर LCM की बात करूँ तो वो होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसे क्वेश्चन में, ऐसी वर्ड प्रॉब्लम में, ऐसे सिचुएशन में जो हम कंसेप्ट लगाएंगे वो होगा LCM। तो हम दोनों के केस में जो यहाँ पे गिवन डेटा है यहाँ पे 18 एंड 12, उन दोनों नंबर को क्या निकालेंगे, LCM। जो LCM आएगा वही हमारा आंसर होगा। वो आंसर क्या होगा, मतलब उतनी देर के बाद वो दोनों क्या होंगे, उस स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मीट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम निकालते हैं LCM। तो हमें निकालना है LCM ऑफ कौन से दो नंबर्स हैं, वो दो नंबर्स हैं 18 एंड 12। कैसे निकालते हैं LCM, हम पहले हम 18 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, 18 के प्राइम फैक्टर्स होगा 2, 9, 9 का क्या होगा 3 into 3, सो ये बन जाएगा 2 into 3 into 3। 12 की बात करें तो 2 into 6, 6 को फर्दर ब्रेक करें तो ये बनेगा 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3 मिल जाएगा 12। हमें क्या करना है, LCM के केस में सारे नंबर्स लिखने हैं लेकिन रिपीट नहीं करने। तो यहाँ मैंने लिखा 2 into 3 into 3, फर्स्ट केस मैंने सारा लिखा 2 into 2, 2 टाइम्स है, एक बार तो लिख चुके हैं, एक बार और लिखेंगे ताकि रिपीट ना हो, और 3 यहाँ पे 1 टाइम है, एक बार हम लिख चुके हैं तो अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो LCM क्या होगा यहाँ पर, 2 into 3 6, 6 3 18, 18 2 36। तो ये जो LCM आया 36, यही हमारा आंसर है, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट, सो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्लियरली हमें क्या पता लग रहा है कि इस केस में LCM से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, मतलब आगे 32 मेंबर्स रहेंगे आर्मी के, उनके पीछे रहेंगे 616 मेंबर्स परेड के लिए। The two group are to march in the same number of column. ऐसा नहीं है आगे 32 रहे पीछे 616 रहे, उन्हें हमें कॉलम में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है कि they should have same number of column. जितने 32 के columns होंगे उतने 616 के column होंगे। 616 का ग्रुप थोड़ा बड़ा पीछे तक जाएगा और 32 का थोड़ा आगे होगा जो कम होगा, लेकिन दोनों के कॉलम सेम होने चाहिए। What is the maximum number of column in which they can march? हमें इनको इस तरह से डिवाइड करना है जो कॉलम हो वो मैक्सिमम स्ट्रेच हो ताकि हमारे कम एरिया में सारे मेंबर्स आ जाएं। तो यहाँ पर हम ध्यान दें, what is the maximum number? कॉलम का जो अमाउंट होगा, कॉलम का जो नंबर होगा मैक्सिमम होगा। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे है कि LCM निकालें या HCF निकालें। मैक्सिमम से ये क्लियर हो रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे निकाला जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने मिनिमम टाइम कंसीडर करना था तो LCM निकाला, यहाँ पे हमें मैक्सिमम कॉलम लेने हैं ताकि वो कम एरिया में सारे आ जाए, तो यहाँ पर हम HCF निकालेंगे। ये बात जब हमें क्लियर हो जाती है HCF निकालना, तो HCF निकालना आपको आता ही है, स्टार्ट करते हैं। HCF किसका निकालना, 616 एंड 32। करने के लिए क्या करेंगे, एल्गोरिदम चलाएंगे। एल्गोरिदम में हमारा वो कैस्केड डिवीजन था वो एक बार डिवाइड करके देखते हैं। 616 को हमें किससे डिवाइड करना है, बड़ा नंबर है इसलिए वो अंदर रखा, 32 से डिवाइड करेंगे। तो ये किस पे जाएगा, 2 पे तो नहीं जाएगा, 1 पे जाएगा, सो आई एम टेकिंग 1। 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 3 2 एंड 6। आगे ये जा सकता है 9 पे, 9 2 18, 3 9 27 एंड 128, 16 माइनस 8 8,
तो यहाँ पर रिमाइंडर 8 आ चुका है। जैसे कि आपको याद हो HCF में हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, तो यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इस केस में जो 8 है वो बन जाएगा हमारा डिवाइज़र, जो पहले डिवाइज़र था वो बन जाएगा डिविडेंड। यहाँ 32 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो ये होगा 8 × 4 = 32, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ चुका है। जहाँ रिमाइंडर 0 होता है उसी केस में डिवाइज़र आंसर होता है HCF के फॉर्म में, तो 8 यहाँ पर आंसर है HCF। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको अगर हम EDL मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखें तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा 616। ये हमारा डिविडेंड था, डिवाइज़र था 32, कोशेंट था 19 और रिमाइंडर कितना आया था 8। फिर 8 क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, इसको फर्दर हम आगे लेके चलेंगे, आगे इस तरह से लेके चलेंगे कि जो हमारा प्रीवियस डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा। प्रीवियस था 32 तो मैं 32 यहाँ लिखूँगी, और इस केस में ये डिवाइड होगा प्रीवियस रिमाइंडर, प्रीवियस रिमाइंडर था 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा क्वेश्चन। 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा जो हमें रिमाइंडर देगा 0। तो इस केस में जो डिवाइज़र होगा वही आंसर होगा, तो क्या होगा 8। मतलब इस क्वेश्चन में व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, और वो हो जाएगा 8। इन दैट केस ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं इक्वली डिवाइड होंगे और जो कॉलम्स होगा मैक्सिमम होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 8। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जहाँ पे हमने रियल नंबर्स के थ्योरम को इम्प्लीमेंट किया है। आगे हम रैशनल नंबर के साथ साथ कुछ इरेशनल नंबर और कुछ थ्योरम्स को और प्रूव करेंगे, तो तब तक कीप रिवाइजिंग।